देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका बृहन मुंबई महानगर पालिका को लेकर जिस तरह से अब सवाल बीजेपी के नगर सेवक उठा रहे हैं कि बीएमसी में भ्रष्टाचार हो रहा है। बीजेपी नगर सेवक विनोद मिश्रा ने बीएमसी कमिश्नर के ऑफिस का घेराव भी किया। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो मुंबई के मालाड़ मालोनी में एक महिला के साथ बीएमसी कर्मचारी ने जिस तरह से अगर बात करें तो उसके ऊपर एक केस दर्ज कराई जाती है, फिर मामला पहुंचता है बीजेपी सांसद गोपाल सेट्टी जी के पास। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद गोपाल सेट्टी जी। सर, जिस तरीके से आज हम बात करें तो बीएमसी की तो देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, सबसे बड़ा बजट है, लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी के लोग बीजेपी के जो नगर सेवक हैं उन्होंने बीएमसी कमिश्नर का ऑफिस का घेराव किया, कल आप मालोनी पुलिस स्टेशन गए, क्या है ये पूरा मामला आखिर? देखिए, मुंबई महानगर पालिका की स्थिति इन दिनों में बहुत दयनीय हुई है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इन दिनों में हम शिवसेना के साथ में महानगर पालिका में रूलिंग में नहीं है। महानगर पालिका में जब हम रूलिंग में थे तब भी मैं पहले दिन से 15 साल कॉरपोरेशन में काम किया, तो मैं लड़ने की भूमिका में था और मैं सारे जनप्रतिनिधियों को ये मैं यहाँ से आपके टीवी के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता चुन कर देती है, उनके विषयों को लेकर लड़ने के लिए होता है। नियम है, प्रशासकीय अधिकारी है, नियम के मुताबिक वो काम नहीं करते हैं तो लड़कर मदद करना ये जनप्रतिनिधि का काम होता है। लेकिन इन दिनों में एक फैशन, इस शब्द का वापस मैं उपयोग करूंगा, फैशन हो गया जनप्रतिनिधियों का कि भाई लोगों का काम लिया, फोन कर दिया, एक चिट्ठी दे दिया, यहाँ तक ही मदद करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, आपको रास्ते पर उतरना पड़ेगा। मलाड़ की जो बात कल टीवी पर भी कुछ लोगों ने दिखाया, गांवठन में लोगों को मदद हो इसलिए सरकार ने कायदा बनाया कि ग्राउंड प्लस वन का स्ट्रक्चर अगर किसी को बनाना हो तो 2.5 FSI ऑलरेडी है वहां पर, आर्किटेक्ट उसको सर्टिफाई करेगा तो वो अपना घर बना सकता है। म्यूनसिपालिटी के बाद परमिशन लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये किसी को मालूम ही नहीं, हमारे महानगर पालिका को चलाने वाले हमारे महापौर साहब ने ये टीवी के माध्यम से वेबसाइट पर ये सारी बातों को डालकर लोगों को जानकारी देनी चाहिए। अगर वो नहीं डालते तो फिर जो विपक्ष होता है, खास करके आज इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेशन में हमारे लोगों का काम है। अब मैं तो कॉरपोरेशन में नहीं हूँ लेकिन मुझसे जितना बनता है वो उतना मैं इस प्रकार के आंदोलन से लोगों को मैसेज देने का काम किया करता हूँ। अब ये 92 वर्ष की वृद्ध महिला के ऊपर एमआरटीपी ले लिया, ठीक है, कायदा का किसी ने भंग किया तो एमआरटीपी लेना चाहिए। एमआरटीपी आप लेते हो, सवेरे 9 बजे जाइए, किसी के घर पे 10 बजे जाइए, शाम को 6 बजे सूर्य अस्त होने के पहले जाइए, 10:30 बजे आप किसी के घर पर जाकर म्यूनसिपालिटी या तो पुलिस के ऑफिसर लोगों को डरा कर, यानी यही कि वो महिला को पकड़े नहीं, फिर पैसे का लेन देन व्यवहार ये सारा होता है। और खास करके मॉडल सेपरेटी इन दिनों में इस प्रकार का शुरू किया है हमारे सरकारी अधिकारियों ने और महापालिका का हो या स्टेट गवर्नमेंट के, ये मुस्लिम और कैथलिक लोगों को ही चुनकर टारगेट करते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक माहौल खड़ा हो देश में। गुजरात में चुनाव तो चालू है, एक माहौल खड़ा हो, इस प्रकार का एक मॉडल सेपरेटी शुरू है तो ये लोग इसके शिकार ना हो, इसलिए मैं बहुत क्विक एक्शन करता हूँ, मैं तुरंत करता हूँ। मेरे पास जब भी कोई आते हैं मैं पहुंच जाता हूँ, म्यूनसिपालिटी में पहुंच जाता हूँ या तो पुलिस में पहुंच जाता हूँ। मैंने अभी तक अपने लेवल को नगर सेवक के पद से भी नीचे का ही रखा है, जो पहले दिन था वही है। मैं अपने आप को कभी एमपी मानता ही नहीं हूँ, लोग मुझे एमपी मानते हैं क्योंकि लोगों ने चुन कर दिया है, मैं एमपी हूँ तो लोग एमपी मानते हैं। लेकिन मैं अपने आप को अगर एमपी मानकर मेरा सवेरा में स्टार्ट करूँ तो मैं लोगों को न्याय नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं अपने लेवल को छोड़कर भी काम करता हूँ और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार से काम करने से ही लोगों को मदद होगी। लेकिन जिस तरह से आपके पार्टी के नगर सेवक विनोद मिश्रा ने बीएमसी कमिश्नर का घेराव किया, उनका साफ तौर से कहना है कि बीएमसी में बड़े तादाद पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं और पब्लिक के पैसे का मिसयूज हो रहा है। बहुत मिसयूज हो रहा है। मैं विनोद मिश्रा का अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का रवैया अपनाया और जो कॉरपोरेशन के हमारे कमिश्नर है उनका कोई बिल्कुल दबदबा नहीं है। कॉरपोरेशन का जो कमिश्नर होता है उसका दबदबा अधिकारियों के ऊपर होता है, रोज भ्रष्टाचार से पकड़े जाते हैं वो तो दिखाई देता है, जो नहीं पकड़े वाले कितने है। जनप्रतिनिधि अगर किसी के बारे में जाकर शिकायत भी करता है तो कमिश्नर अगर उसके ऊपर एक्ट नहीं होते तो जो अधिकारी होते हैं वो बेजवाबदार होते हैं। उनको मालूम है कि मुखिया अनदेखा करता है तो फिर चलाओ ये धंधा, इसलिए कॉरपोरेशन का कमिश्नर जितना देखो, किसी कमिश्नर का या तो किसी पॉलिटिशियन का अच्छा होना ये समाज को उससे लाभ नहीं होता है। कोई भी एक व्यक्ति अच्छा
कब ढूंढते हैं? अगर लड़की की शादी करना हो तो पापा लड़का ठीक ठाक है कि नहीं। एक पॉलिटिशियन बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, क्या लाभ होगा उससे लोगों को? एक कमिश्नर बहुत अच्छा है, उससे क्या लाभ होगा लोगों को? कमिश्नर कमिश्नर जैसा होना चाहिए, कमिश्नर कड़क होना चाहिए, कमिश्नर अधिकारियों का बेजवाबदार अधिकारियों के ऊपर अंकुश रखने वाला कमिश्नर होना चाहिए। पॉलिटिशियन कड़क होना चाहिए, पॉलिटिशियन के दिल में दया भी होनी चाहिए और फिर जो अपना एक दबदबा अधिकारियों को, पुलिस ऑफिसर हो या महानगर पालिका शासन के अधिकारी हो, समाज कंटक हो, इनके ऊपर अपना रुतबा वो डाल पाए और समाज को न्याय दे पाए, इस प्रकार का पॉलिटिशियन होना चाहिए। पॉलिटिशियन दिखने में अच्छा, स्वभाव में बहुत सौम्य स्वभाव का, ठीक है, वो उसके घर के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन समाज के लिए वो अच्छा नहीं हो सकता है, मेरा मत है। गोपाल सेट्टी जी, जैसे आपने कहा कि पुलिस अधिकारी, बीएमसी अधिकारी इस तरह से किसी के घर पे जाके रात को 10 बजे कार्रवाई करने की बात कहते हैं, डरा धमका की बात करते हैं, एक तरफ ये है कि भ्रष्टाचार भी हो रहा है, ये आप भी मान रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है सत्ता में, आने वाले समय में गोपाल सेट्टी या उत्तर मुंबई के जो बीजेपी के नेता हैं, जो नगर सेवक हैं, क्या इसको लेकर कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? मैं मानता हूं कि नगर सेवकों ने अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्र की सरकार बहुत नए नए कायदे बनाकर लोगों के लिए किया है, व्यवस्था किया है, महाराष्ट्र की सरकार ने भी किया है, लेकिन ये कायदा सब लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर सेवकों ने अपने एक्टिविटी लेवल की बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटना कहीं पर भी होते तो वहां पर तुरंत पहुंच जाना चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, इससे थोड़ा कमीपना इसमें आएगा। और जो मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, सारा ऑनलाइन सिस्टम इन दिनों में हो रहा है, अब जब तक अधिकारियों ने एक मन बना लिया, अभी जब तक वो सेट नहीं होता तब तक जितना लूटना हो लूट लो। अब यहाँ पर इस समय पर जनप्रतिनिधि की बहुत आवश्यकता है, जितना कम लूटे उसके लिए हमने घर से बाहर निकलकर लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम सेट होने के बाद में यह सारा बंद हो जाएगा, सारा बंद हो जाएगा। एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, देखिए सब सरकार और चुने हुए प्रतिनिधि सब करेंगे ऐसा अपेक्षा भी किसी ने करना नहीं चाहिए, पैसा देने वाले ने भी तुरंत रुक जाना चाहिए। जो पैसा देता है तो 50% लोग तो गलत करने वाले लोग भी देते हैं, गलत करने के लिए देते हैं, और इसमें 50% जो सच्चे लोग है वो पीसे जाते हैं, इसलिए पैसा देने वाले लोगों ने भी थोड़ा समझकर बंद करना चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधि जाइए, उनके दरवाजे पे खड़े हो जाइए, भाई नियम है, हम नियम से काम करना चाहते हैं, क्यों हमारे पास पुलिस वाले पैसा मांगते हैं, क्यों हमारे पास म्युनिसिपैलिटी के या सरकार के अधिकारी पैसा मांगते हैं, क्यों सो कॉल्ड पॉलिटिशियन भी लोग भी हैरान परेशान करते हैं। तो लोगों ने अपनी लोकशाही की जो ताकत है उसको दिखाने का काम करना चाहिए। गोपाल सेट्टी जी, आपने कहा कि सरकार सब ऑनलाइन कर रही है, ऑनलाइन की बात आई तो जिस तरह से महाराष्ट्र में किसान कर्ज माफी को लेकर नागपुर सदन में विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है कि कर्ज माफी को ऑनलाइन करने की वजह से बहुत सारे किसानों को कर्ज माफी की जो प्रक्रिया है वो नहीं मिल पा रही है और नहीं समझ में पा रहे, 6 महीने हो गए अनाउंसमेंट को, अब तक नहीं हुआ है कर्ज माफी। दो बात है इसमें, मैं दोनों बातों का खुलासा करना चाहूंगा ताकि मेरी आवाज भी पहुंचे और लोगों को इसका पता भी चले। कांग्रेस के सरकार में जितने भी पैसे आते थे वो सब गलत लोगों के नाम पर बांटा जाता था। अभी आप देखते हैं कि एक व्हाट्सएप घूम रहा है, देश में से 2 लाख बच्चे गायब हो गए। बच्चे गायब नहीं हो गए, वो तो एक स्टोरी बनाया है, लेकिन नाम ही नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन सरकार का जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मदद होता था वो सब लिया जाता था, उसका एक सिस्टम डेवलप हुआ था। अब इनके सारे धंधे बंद हो गए तो ये चिल्लाने लग गए। किसानों का जो पैसा आता था कर्ज माफी के बाद में भी, वो भी कुछ चुनिंदा लोग एक सिस्टम बनाकर सारे पैसे निकाल लेते थे, सरकार उनकी थी, व्यवस्था उनकी थी, सिस्टम उनका था, निकाल लिया जाता। अब देवेंद्र फडणवीस जी ने सारा बंद कर दिया, जो नेचुरल है उनको ही दिया गया। अब ये फिगर बनाया था उन्होंने 1,00,000 किसानों का पैसा देना है, लेकिन 1,00,000 तो थे ही नहीं, जितने थे उनको मिल गया, जो बचे है उनको हम देंगे आने वाले दिनों में, हाँ जो कर देंगे, देरी हुई तो माफी मांगेंगे उनसे कोई कारण से, लेकिन देरी ना हो इसलिए जो आया उसको बांटते जाए, तो सरकार का पैसा जा रहा है, पब्लिक का पैसा जा रहा है, इस बात को भी मैंने, आपने, जनता ने और मीडिया ने भी समझने की आवश्यकता है। हम न्यायिक लोगों को मदद करने के लिए व्यवस्था चला रहे हैं, हम अन्याय करने वाले लोगों को मदद करने के लिए नहीं। ये अन्याय करने वाले लोग मीडिया के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाकर सरकार को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। इसलिए जो न्यायिक किसान है उनको पैसा जितने लोगों को मिला है उतना मिल गया, बचे हुए लोगों को देने का काम हमारी सरकार करेगी, देरी हुई है उसके लिए हम निश्चित उनसे क्षमा मांगेंगे, लेकिन थोड़ा देरी को टालने के लिए हम
आग बंद कर कर पैसा बांटेंगे तो गलत लोगों के हाथ में पैसा जाता था, उसको रोकने के लिए ये सब प्रयास हो रहा है। तो जनता ने भी ऐसे काम में थोड़ा साथ देना चाहिए और जनता दे रही है, जनता दे रही है। लेकिन छह महीने, जैसे विपक्ष का कहना है कि छह महीने हो गए, दो साल में 10,000 से ज्यादा किसानों ने जो है, विरोधी पक्ष नेता ने पूरे आंकड़े पेश किए हैं, कहा है कि हम सरकार पे हल्ला बोल करेंगे, कल भी दोनों सदन जो है स्थगित रहे, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ विरोध जिस तरह से हल्ला बोल कर रहा है, सदन पहला दिन सदन लोकसभा का हो या तो विधानसभा का हो, यह स्थगित करना ये वापस एक सिस्टम का भाग हो गया है। अगर यह स्थगन स्थगित नहीं करते तो विपक्ष में दम नहीं है, इस प्रकार की बातें आती है। इसलिए मुद्दा ना भी हो तो हल्ला गुल्ला करके, क्योंकि ये सारा काम तो हम लोग भी विपक्ष में रहकर करके आए, इसलिए उसको हमको उसकी चिंता नहीं है। हमको चिंता महाराष्ट्र के किसानों का है, वो हम करेंगे इसमें। इसलिए विपक्ष क्या करते हैं, अब ये विपक्ष पूछे पाप किसका है, ये हमारा पाप है क्या? पाप इनका है ना, इतने सालों में इन्होंने जो किसानों की हालत की, अब पाप तो इनका है। अब ये अपने पाप को छिपाने के लिए ये सारा ड्रामा करते हैं, तो उनको करने दो उनका काम, हम हमारा काम करते हैं। बिल्कुल, बीजेपी अपना काम करेगी। गुजरात चुनाव की बात करें तो गुजरात चुनाव इस समय जो है काफी टक्कर पर है, क्योंकि कल राहुल गांधी जी को औपचारिक तरीके से अध्यक्ष पद का भी चुनाव चुन लिया गया है, अध्यक्ष कांग्रेस के लिए। क्या कहना चाहिए? औपचारिक पद्धति को आप थोड़ा बाजू में कर दीजिए, पारंपरिक पद्धति से कहिए, क्योंकि कांग्रेस की जो पारंपरिक पद्धति चलती थी उसके मुताबिक उन्होंने किया, फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया। निश्चित है, देखिए गुजरात के चुनाव, गुजरात का चुनाव हम जीतेंगे। अब कितने सीट से जीतेंगे ये तो अभी थोड़ा ही दिन बचा है, आ जाएगा सामने, इसलिए मैं ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। लेकिन मैं इतना दावे के साथ मैं कहना चाहूंगा कि पहले से एक भी सीट अगर हमारी ज्यादा आती है तो हम उसमें, मैं तो कम से कम उसमें समाधान हूँ। इसलिए गुजरात की चुनाव, गुजरात का चुनाव हम जीतेंगे, डंके की चोट पर जीतेंगे और गुजरात की जनता हमको जिताएगी। फर्स्ट फेज का भी रिजल्ट अच्छा है, सेकेंड फेज की तैयारी मतदाता कर रहे हैं, और गुजरात में जो सरकार की छवि है, मोदी जी की छवि है, और गुजरात की जनता समझदार है, वैसे देश की जनता भी इन दिनों में समझदार हुई है। एक सरकार प्रयत्न कर रही है, प्रामाणिकता से प्रयत्न कर रही है देश को आगे ले जाने के लिए। कांग्रेस ने खड्डे में डाल दिया था, खड्डे में से बाहर निकालना है, खड्डा भरना है, फिर उसके बाद में ग्राउंड लेवल पर देश को आगे बढ़ाना है। तो ये सारे बैकलॉग को पार करते हुए हमको देश को आगे ले जाना है, हम ले जा रहे हैं और जनता समझ रही है, जनता साथ और सहयोग भी दे रही है। लेकिन जिस तरह से कल कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, कहीं ना कहीं मोदी जी गुजरात में हार की डर से इस तरह के बयान दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, बयानबाजी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में क्या मानते हैं, गुजरात में कांटे की टक्कर है? देखिए चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव तो केक वॉक किसी के लिए भी नहीं होता है। अगर हमने उत्तर प्रदेश में इतना भारी जीत हासिल किया तो इतना भारी मतों से जीतेंगे इसका अंदाजा हमको भी नहीं था। इसलिए चुनाव तो चुनाव होता है, इसलिए चुनाव में किसी भी प्रकार का उठपटांग भविष्यवाणी करना ये मेरी पार्टी भी मानती नहीं और मैं तो बिल्कुल मानता नहीं हूँ। इसलिए हर चुनाव को हम चुनौती मानकर ही लड़ते हैं, हम लड़ रहे हैं, हम मैक्सिमम सीट जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रयास होना ही चाहिए। और जब देश भर में लोग साथ और सहयोग दे रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और गुजरात एक प्रतिष्ठा है, क्योंकि गुजरात से तो हमारा प्रारंभ हुआ सफर, और इसलिए गुजरात के चुनाव को एक अलग नजरिया से कांग्रेस के लोगों को ये लगता है कि गुजरात में अगर सीट कम हो गई तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी की प्रतिष्ठा बहुत नीचे आ जाएगी, या ऐसा उनका सोच जो है, ये सोच गलत है। लोकशाही है, लोकशाही में ये सारा चलता रहता है, और गुजरात हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे गोपाल सेट्टी जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा गुजरात में बीजेपी अच्छे मार्जिन से जीतेगी। साथ ही बीएमसी में जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर उनका साफ तौर से कहना है कि जो बीएमसी कमिश्नर है उनको कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट कमिश्नर की भूमिका निभानी होगी, ताकि इस तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जा सके। कैमरामैन सदानंद सेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन24 न्यूज, मुंबई।